नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो आज हम पढ़ेंगे जो इंग्लिश का पीजीटी का पेपर हुआ है, उसका पेपर 1 जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट आज हम देखेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनका सोर्स क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कौन सा मटेरियल आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सो दैट जो अभी जिन सब्जेक्ट्स का पेपर 10 दिन है उसके लिए 1 महीना है, वो किस प्रकार से अपने पेपर 1 को इजीली तैयार कर सकते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जिनके पेपर को अभी 10-15 दिन या 1 महीना है, लेकिन जिनका नेक्स्ट हफ्ते पेपर है उनके लिए ये फ़ायदा उतना नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि ये इन सभी सोर्सेज को रेफ़र कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ़ द फॉलोइंग अबाउट सहनाई ट्राइब कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको सहनाई कम्युनिटी या ट्राइब के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आराम से। तो पहला तो यहाँ पे एक हमारा वर्ड लिखा है, स्केड्यूल ट्राइब। तो वो ट्राइब जिसको हमारे भारत के स्केड्यूल में या किसी आर्टिकल में, स्केड्यूल नंबर 6 में या आर्टिकल 342 में डिफाइन किया हो या उसके तहत उसको जो है अनाउंस किया हो, तो उस ट्राइब को हम कहते हैं स्केड्यूल ट्राइब। तो हिमाचल में अगर बात करें तो हमारे पास सिर्फ यही ट्राइब हैं जिनमें अगर आप देखें तो सहनाई ट्राइब कहीं पर नहीं आता। सहनाई ट्राइब हमारी एक शेड्यूल्ड कास्ट है, इस वजह से इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो गई। अब आपके 50-50% चांसेस हैं कि क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो फिर यहाँ पर अगर आप गेस भी करते तो हमारा जो ऑप्शन सी है यानी कि 3 और 4 वो करेक्ट आंसर था। ये जितने भी सोर्सेज हैं जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इनके हम लास्ट में सोर्सेज देखेंगे कि ये कहाँ से लिए गए हैं और आपने कहाँ से पढ़ना है इन चीज़ों को, क्या चीज़ें रेफ़र करनी है। यहाँ पर एक बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी स्केड्यूल कास्ट हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है स्केड्यूल ट्राइब हैं। तो 25.19 हमारे पास शेड्यूल कास्ट हैं, 5.71% हमारे पास स्केड्यूल ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर फॉर द हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपको 4 स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हिमाचल प्रदेश के लिए। सेम यहाँ पर भी अप्रोच रखनी थी आपने क्वेश्चन की। पूछ रखा है यहाँ पर, हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज़ 8,050 मीटर्स। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें हिमाचल की, उसकी हाइट है 7,025 मीटर्स। जब हिमाचल की हाईएस्ट पीक की इतनी हाइट है तो इससे हाईएस्ट पॉइंट कैसे हो सकता है हिमाचल में, इस बेसिस पर ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। तो पहली ऑप्शन आपने जो है एलिमिनेट कर दी। दूसरी ऑप्शन देखें अगर हम, तो द सेंज रिवर ज्वाइंस द ब्यास रिवर एट लारजी। तो आपने जो है पंडो के बाद एक लारजी डैम देखा होगा, वहाँ वहीं पर सेंज रिवर जो है ब्यास नदी को कनेक्ट करती है उसको, या उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तीसरी ऑप्शन, पार्वती जो है मर्ज करती है सतलुज रिवर के साथ, बिल्कुल इनकरेक्ट। पार्वती जो है ब्यास नदी के साथ मर्ज करती है भुंतर जगह पर। ठीक जी, तो ऐसे करके जो है आप इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू सेंसस 1991। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको 2011 सेंसस के बारे में पता हो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो उसके आधार पर जो है आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन टफ क्वेश्चन था, इसको आप छोड़ भी सकते थे, ज़रूरी नहीं है। आपको पहले भी बता रखा है, आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की या पेपर 1 में टॉप करने की कोशिश नहीं करनी, आपने जस्ट पासिंग मार्क्स लेने हैं। तो इसका मतलब आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2001। तो वैसे तो जो है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्केड्यूल कास्ट हैं, लेकिन यहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट तो दिया नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्केड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द इन्वेस्टर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर गिवन प्रेफरेंस फॉर सेटिंग अप हाउ मच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। तो इस क्वेश्चन के स्क्रैप होने के चांसेस हैं। स्क्रैप होने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि कुछ सोर्सेज पे, फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ें, बजट वगैरह पढ़ें, वहाँ पर आपको 5 MW टू 25 MW इसका आंसर मिलेगा। लेकिन आप अगर हिम ऊर्जा एक ऑर्गेनाइजेशन है हिमाचल सरकार की, अगर उसकी वेबसाइट के ऊपर देखें तो वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए जो 2 MW तक की कैपेसिटी के हैं, वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व हैं
हिमाचल के लोगों के लिए जो हिमाचलीज़ हैं, तो इस कारण से ये मे बी क्वेश्चन स्क्रैप हो सकता है। जैसे भी ऑफिशियल आंसर की आएगी वैसे जो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज एक्सपेक्टेड इन एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23 हिमाचल प्रदेश। तो यानी कि ये भी एक क्या है हमारा, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 3.5%। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट हैव एनी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 2022। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है उसके लिए जिसने इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट पढ़ा हो। तो आप अगर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का पेज नंबर 105 देखें तो वहाँ पर क्लियरली लिख रखा है कि हिमाचल में 10 फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति, सोलन, शिमला और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके बेसिस पे आप जो है इसका आंसर कर सकते थे मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फ्लावर्स के लिए मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है 2023-24 में आई है। इससे पहले 9 ही थी हमारी, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है रिसेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर एक 2 वर्षों में एक बार आती है, बाइनियल रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो है 21.72%, जो हमारा ट्री कवर है वो है 2.91%। अगर हम टोटल करें जिससे हमारा फॉरेस्ट एरिया निकलता है तो ये बना हमारा 24.62% भारत का फॉरेस्ट एरिया। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं। सेम रिपोर्ट में जो 2 वर्षों में एक बार आती है उसी में लिखा गया है, उसी में ये हमें डेटा मिला है कि हिमाचल में जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है 27.74% है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का सोर्स है हमारा, जिस प्रकार से भारत की इंडिया ईयर बुक आती है ठीक उसी प्रकार से हिमाचल ईयर बुक भी आती है, इकोनॉमिक सर्वे बजट, ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार का, हिमाचल सरकार का या राज्य सरकारों का एक ईयर बुक, एक डॉक्यूमेंट आता है, वहाँ से इस क्वेश्चन का आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा कि हिमाचल में ब्लॉक्स कितने हैं, 88 ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023। तो भारत में जो है खेलो इंडिया गेम्स होती हैं, कुछ समर्स में होती हैं, कुछ विंटर्स में होती हैं। तो जितनी भी विंटर की गेम्स अभी जो है 4 बार हो चुकी हैं, चारों की चारों बार कहाँ पर हुई हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। अगर हम 2023 की बात करें तो फर्स्ट रैंक के ऊपर था मेडल टैली में जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे रैंक के ऊपर था महाराष्ट्र और तीसरे रैंक के ऊपर था हिमाचल प्रदेश, यानी कि थर्ड ऑप्शन, और चौथे रैंक के ऊपर था हमारी आर्म्ड फोर्सेस या फिर आर्मी। बात कब की है, 2023 की। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में ये गेम्स हुई, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, लेकिन इसमें पहले रैंक के ऊपर हमारा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, दूसरे रैंक के ऊपर है कर्नाटक स्टेट, और हिमाचल जो है फोर्थ रैंक के ऊपर है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में। 2023 में हम तीसरे नंबर के ऊपर थे। व्हेन वॉज मुख्यमंत्री शगुन योजना इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश। इस योजना में जो है जो बीपीएल फैमिलीज की जो गर्ल्स हैं उनको शादी पर 31,000 दिए जाते हैं, इस स्कीम का एम है, ऑब्जेक्टिव है। तो ये सेम क्वेश्चन जितनी भी अभी तक पेपर वन में आपको स्कीम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी का सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे, नथिंग एल्स। इकोनॉमिक सर्वे में जो है फर्स्ट लाइन में लिखा होता है किसी भी स्कीम के कि ये स्कीम इस ईयर में इस डेट को स्टार्ट हुई और ये इसका काम है। तो ये हमारी स्कीम स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैंक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये मेरे को अब फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक अभी तक 3 या 4 में वीडियो बना चुका हूँ गुड गवर्नेंस इंडेक्स पे, और एक भारत का गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी आता है उसके ऊपर भी। तो उसके अनुसार अगर आपने उस वीडियो को 1-2 मिनट भी देखा होता तो आप इजीली जो है इस
क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस के आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके उन वीडियो से 100% जो है क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ईयर में जो है नंबर ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन हिमाचल प्रदेश वर लेस देन अदर ईयर। इसका भी हमारा सोर्स है जो हमारी ईयर बुक है, हिमाचल ईयर बुक। उसमें अगर आप देखें 2018, 2019, 2020, 2021, तो यहाँ पर ये जो आपको पॉपुलेशन दी गई है गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़ की, यहाँ से आप जो इसको सॉल्व कर सकते थे। 2019 इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुई फेयर इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। मॉडल सेंट्रल जेल इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडिंग सम मैन्युफैक्चरिंग वर्क टू इट्स इनमेट्स फ्रॉम 2014 इज कांडा। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पे है कांडा जेल, वहाँ पर जो है 2014 से जो कैदी हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्रोवाइड किया जाता है, और सेम काम 2019 में स्टार्ट किया है नाहन की सेंट्रल जेल ने, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट नेम ऑफ डॉटर ऑफ किंग दशरथ। तो ये जो है आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उसके आधार पर आप इसका आंसर शांता कर सकते थे। हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन डेजिग्नेटेड इन इंडिया अंडर द मैन बायोस्फीयर कंसेप्ट ऑफ यूनेस्को। तो ये क्वेश्चन भी जो है आई थिंक ये स्क्रैप हो सकता है, क्योंकि भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 18, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इन भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में से कितने यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कंसेप्ट के तहत आते हैं, तो उसका आंसर होगा 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स। लेकिन यहाँ पर 12 कोई ऑप्शन नहीं है, तो मे भी इसका आंसर 18 होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी स्क्रैप हो जाएगा। ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं कौन कौन से हैं, हिमाचल में कौन सा आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हिमाचल में इन 18 में से सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व आता है, उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमारे किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पिन वैली नेशनल पार्क के एरिया को डेजिग्नेट किया गया है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व। कितने हैं टोटल? 18 में से 12 आते हैं हमारे मैन बायोस्फीयर कंसेप्ट ऑफ यूनेस्को के अंदर। साथ ही साथ आपने रिवाइज करना है कि भारत का 33rd एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, भारत का 54th टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये कुछ चीज़ें जो है आपने रिवाइज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्ट इन गुजरात इज 182 meters। तो ये जो हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, हमारी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, और इसको जो है L&T कंपनी ने बनाया है। अगर हम डिज़ाइनर की बात करें तो रामवीर सुतर जी ने जो है इसको बनाया है। 2018 में इसकी ओपनिंग की गई थी। साथ ही साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, 2021 में एक हमारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट होती है 8 Wonders of SCO, तो उस लिस्ट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 2021 में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड प्रोविंसेस वॉर रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश इन 1951। इनकरेक्ट, बिल्कुल 1950 में इसका नाम चेंज किया गया था। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वॉज कार्व्ड आउट इन 2000, 9 नवंबर 2000 में सेपरेट किया गया था, यानी कि हमारी पहली ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हमारी दो ऑप्शंस एलिमिनेट होगी। अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, उत्तराखंड हैज़ बॉर्डर विद नेपाल इन द नॉर्थ। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमारा कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। आंसर हमारा बच गया सी ऑप्शन। तो मैप के ऊपर मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है, मैप के ऊपर भी एक क्वेश्चन कोई ना कोई आ रहा है। आपको अभी तक हिमाचल का कुछ पूछा नहीं है, तो आपको हिमाचल के बारे में भी बताना चाहिए, नॉर्थ में कौन सा राज्य है, साउथ में कौन सा है, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये ऐसे करके जो है आपको हिमाचल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जब हमने कैबिनेट मिशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, तो उसके तहत 389 मेंबर्स की वो एक बॉडी बनी। 292 जो मेंबर्स थे वो हमारे प्रोविंसेस से आने थे, 93 हमारे प्रिंसली स्टेट्स से नॉमिनेट होने थे, और 4 मेंबर हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आने थे। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यहाँ पर कुछ मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी थे और कुछ नॉमिनेटेड भी थे। तो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में एक और बात याद रखनी है कि ये जो हमारी बॉडी थी ये पार्शियली इलेक्टेड थी,
साथ ही साथ पार्शली नॉमिनेटेड भी थी, ना ये पूरी तरह से इलेक्टेड थी ना पूरी तरह से नॉमिनेटेड थी, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। इसका आंसर है द प्रोविंसेस वर टू इलेक्ट 292 इट्स मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ द कलमकारी फोक आर्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। सिमिलर नाम का एक फोक आर्ट है उत्तर प्रदेश का चिकनकारी, और उत्तर प्रदेश का एक और है जरी, या फिर जिसको हम जारदोसी भी कहते हैं। उत्तराखंड का है एक अपन, AIPAN। तो ये कुछ आपने फोक आर्ट याद रखने हैं, साथ ही साथ एक आपने पटाचित्रा पेंटिंग याद रखनी है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट या उड़ीसा राज्य की, और एक आपने मधुबनी पेंटिंग्स याद रखनी है बिहार की। ये पटाचित्रा पेंटिंग्स और मधुबनी पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंक ऑफ पंजाब इन स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। तो इसका आंसर है सेवन्थ। अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें, जो हमने बहुत बार रिवाइज किया है क्लास में, तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेट की, तो इसमें सबसे क्लीनेस्ट स्टेट बोला गया है महाराष्ट्र को, सेकेंड क्लीनेस्ट स्टेट है हमारी मध्य प्रदेश, और थर्ड है छत्तीसगढ़। हिमाचल का रैंक है 18th। अगर शहरों की बात करें तो सबसे क्लीनेस्ट शहर है हमारा इंदौर, सातवीं बार सबसे क्लीनेस्ट शहर बना है इंदौर, लेकिन इस बार फर्स्ट रैंक को शेयर किया है सूरत ने भी, गुजरात के सूरत ने भी। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे रैंक या तीसरे रैंक के ऊपर, मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, न्यू दिल्ली, तिरुपति, ग्रेट हैदराबाद, और 10वें रैंक के ऊपर है पुणे। इसी में आपने याद रखना है कि हिमाचल का क्लीनेस्ट शहर बताया गया है, या फिर ओवरऑल शिमला का रैंक है भारत में 188th। कब की बात है? 2023 की। और थोड़ी सी बातें आपने और याद रखनी है इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में, कि जो हमारा चंडीगढ़ शहर है उसको सफाई कर्मचारियों के लिए सेफेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। जो हमारा मध्य प्रदेश में महो कैंट है, महो जो छावनी है, उसको क्लीनेस्ट छावनी का या क्लीनेस्ट कैंट का दर्जा दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में राज्यों को, शहरों को और कैंट्स को जो है सर्वे किया जाता है कि वो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया टॉप्ड इन वीमेन लेड स्टार्टअप इन 23। तो इसको जो अगर आप गेस भी करते तो बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर में ही जो है IT हब हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USA एंड कैनेडा आर डिवाइडेड बाई लेटिट्यूड ऑफ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन, 49 डिग्री नॉर्थ, लेकिन आपने एक 35 डिग्री पैरेलल, 8 डिग्री पैरेलल और 10 डिग्री पैरेलल भी ध्यान रखने हैं। ये जो हमारा 38 डिग्री पैरेलल है, ये है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में। 8 डिग्री पैनल है जो हमारा, 8 डिग्री पैरेलल या फिर 8 डिग्री नॉर्थ हमारा जो लेटिट्यूड है वो है मिनी क्वाय, जो एक लक्षद्वीप का आइलैंड है, और उसके साथ मालदीव देश, इन दोनों के बीच से गुजरता है 8 डिग्री चैनल, और अंडेमान एंड निकोबार के बीच से गुजरता है 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज UN पीस कीपिंग फोर्सेज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर पीस। करंट अफेयर का क्वेश्चन, अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ में था कि सुंदरनगर से या मंडी डिस्ट्रिक्ट से एक मेजर राधिका सेन जी हैं, उनको अवार्ड दिया गया है UN पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए। और क्वेश्चन अभी पूछ लिया कि UN पीस कीपिंग फोर्सेस को किस वर्ष में नोबल पीस प्राइज दिया गया है, तो ये 1988 में दिया गया है। इनको हम ब्लू हेलमेट या फिर ब्लू बैरेट नाम से भी जानते हैं, और इनका गठन हुआ था, इन फोर्सेज का गठन हुआ था 1948 में। साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, इसको 2001 में मिला था नोबल पीस प्राइज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल सेफी ग्रैफ हैज़ वॉन मैक्सिमम मैचेस अप टू 2023। तो ये जो आपको चार नाम दिए हैं, इनमें से आंसर है विंबलडन। ये जो चारों नाम दिए गए हैं ये टेनिस से रिलेटेड हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट में एक T20 वर्ल्ड कप होता है, एक ODI होता है, एक टेस्ट मैच होता है, अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारे यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, ये चारों के चारों अलग अलग टूर्नामेंट्स हैं हमारा जो लॉन टेनिस होता है के फील्ड में। तो इनके बारे में आपने ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये एकमात्र अभी तक पर्सन है, वीमेन है जर्मनी की वैसे तो ये, लेकिन अभी तक इनके पास रिकॉर्ड है कि अभी तक यही एकमात्र जो है खिलाड़ी हैं जिन्होंने इन चारों टूर्नामेंट्स को मिनिमम चार चार बार जीता है।
यानी कि जैसे ये जो हमारा विंबलडन है इसको इन्होंने 7 बार जीता है, बाकियों को किसी को 4 बार, किसी को 5 बार, किसी को 6 बार, लेकिन सभी को मिनिमम इन्होंने चार चार बार जीता है, और अभी तक ये एकमात्र ऐसा करने वाली खिलाड़ी हैं बोथ इन मैन एंड वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसामा बिन लादेन द अलकायदा लीडर वॉज किल्ड बाई अमेरिकन ट्रूप्स पाकिस्तान इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द प्रेजिडेंसी ऑफ यूएस प्रेजिडेंसी ऑफ बराक ओबामा, जिनको 2009 में नोबल पीस प्राइज दिया गया था, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख हसीना बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 2024 फॉर 5th टाइम। तो ये शेख हसीना जी सबसे पहली बार 1996 में प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद 2009 में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी, और 2009 के बाद से आज तक टिल प्रेजेंट ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, और अभी बनी है 2024 में 5वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ COP28 इन दुबई इन दिसंबर 2023। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उसका प्रेजिडेंट भी जो है पूछ लें, तो इसका आंसर था सुल्तान अल जबर। लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि COP26 कहाँ पर हुई, COP27 कहाँ पर हुई, COP28 कहाँ पर हुई, 9 और 30 कहाँ पर होगी। तो अगर हम COP26 की बात करें, ये हुई थी हमारी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जिसके प्रेसिडेंट थे एक जो है भारत मूल के थे, उनका नाम था आलोक शर्मा। जो हमारी COP27 थी वो हुई थी हमारी इजिप्ट में, जिसके प्रेसिडेंट थे समीश सौकरी। 28th कॉप हमारी हुई है दुबई में, जिसके प्रेसिडेंट थे सुल्तान अल जबर। 29th कॉप हमारी होगी अजरबैजान में, अभी होगी, अभी हुई नहीं है, 2024 में होगी, और 2025 में यानी कि COP30 हमारी होगी ब्राज़ील में। तो ये आपको कौन कौन सी देश में ये कॉप होनी है, ये जो कॉप होती है ये एक मीटिंग होती है UNFCCC की, जिसको 1992 में बनाया गया था अर्थ समिट के बाद। तो इनकी मीटिंग्स को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, COP। तो इनके होस्ट कौन होते हैं और इनके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ये आपने चीज़ें याद रखनी है कॉप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल पीस प्राइज इन 2023 फॉर पीस वॉज अवार्डेड टू। तो वैसे जनरली तो नाम पूछते थे कि किस पर्सन को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया कि वो जो प्राइज़ दिया गया है वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो एक ईरानियन एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है नरगिस मुहम्मदी, ईरान की एक महिला हैं, जिन्होंने वहाँ की महिलाओं का या फिर ईरानियन महिलाओं का जो सप्रेशन होता है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है। अगर हम यहाँ पर नोबल पीस प्राइजेस को रिवाइज़ करें, तो जो हमारा फिज़िक्स का नोबल पीस प्राइज था वो मिला है ऑटो सेकंड्स के लिए, जो हमारा केमिस्ट्री का प्राइज़ है वो मिला है क्वांटम डॉट्स के लिए, मेडिसिन की फील्ड में कोविड के टाइम पर जो mRNA वैक्सीन बनी थी कोविड समय पर उसके लिए, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो पर्सन को मिला है नॉर्वे के रहने वाले हैं, वो प्लेज लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं नॉर्वेजियन लैंग्वेज में। जो हमारा पीस प्राइज़ है वो ईरान की महिला को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के, ईरान की महिलाओं के राइट्स के बारे में बात करी थी, या फिर जो उनका ऑपरेशन होता था उसके खिलाफ बात करी थी। और जो हमारा इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज़ है वो दिया गया है कि जो महिलाओं की लेबर होती है उनका मार्केट आउटकम क्या रहता है, या फिर मार्केट इकोनॉमी पर क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, किसका, महिलाओं की लेबर का। ये सारी चीज़ें आपने नोबल प्राइजेस के बारे में याद रखनी है, कौन सा नोबल प्राइज़ किस चीज़ के लिए दिया गया है। नाम जो है अब वो नहीं पूछ रहे, नाम उन्होंने ऑलरेडी बहुत पेपर्स में पूछ लिए हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से काम के लिए, या फिर वो पर्सन किस कंट्री से है, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें, जितने भी हमने क्वेश्चन देखे, जितने भी हमने आंसर्स देखे, उन सभी के सोर्सेज हैं हमारा या तो इकोनॉमिक सर्वे, या फिर हमारा हिमाचल का बजट, या फिर स्टेटिस्टिकल बुक ऑफ हिमाचल प्रदेश 2022-2023। तो अगर आप बजट सारा नहीं पढ़ सकते, तो आप अगर बजट स्पीच को भी पढ़ लो, तब भी जो है आप कोई ना कोई क्वेश्चन, किसी ना किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में सक्षम होंगे। और इकोनॉमिक सर्वे भी आपने पढ़ना है, ये बुक भी आपने, या फिर इस सोर्स को भी आप रेफ़र कर सकते हैं पेपर वन के लिए। तो ये सारे सोर्सेज हैं, साथ ही साथ हमारा न्यूज़पेपर, आपने मिनिमम 6 महीने के न्यूज़पेपर, तो चाहे वो हिंदी का है चाहे इंग्लिश का है, वो सारे आपने रेफ़र करने हैं, तभी जो है आप कहीं ना कहीं पेपर वन करने में सक्षम होंगे
जैसा हम पिछले पेपर्स को एनालाइज करके निकाल सकते हैं। हो सकता है अगले पेपर में जो है इससे डिफरेंट पेपर आ जाए, लेकिन जो अभी तक पेपर आ रहे हैं वो सारे इन सोर्सेज से आप इजीली पास कर सकते हैं। इन फ्यूचर क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, तो उसके बारे में बोल के जो है फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको ये सारे सोर्सेज चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है सारे सोर्सेज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।